वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की कमजोर विदेश नीति पर सवाल खड़े करते हुए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के प्रभावशाली कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। पिछले 9.5 वर्ष में एनडीए भाजपा सरकार की तरफ से एक शब्द निरंतर और लगातार सुनने को मिलता रहा है, मस्कुलर नेशनलिज्म, जिसका हिंदी में तर्जुमा होगा डोले वाला राष्ट्रवाद। मैं कोशिश कर रहा था कि कोई शब्द मिल जाए, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं तो ये मस्कुलर नेशनलिज्म कहीं पर दिखाई नहीं देता। आज एक छोटे से मुल्क कतर में भारत के 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के उच्च अधिकारी हैं उनको मौत की सजा सुना दी गई। उनके ऊपर क्या आरोप हैं, उनके ऊपर कहां पे मुकदमा चला, उस मुकदमे का फैसला कहां है, कुछ अता पता नहीं। और वो 8 सेवानिवृत्त अधिकारी नौसेना के, जिनको भारत ने कई बार सम्मान दिया, वो पिछले अगस्त 2022 से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे और उसके बाद उनको मौत की सजा सुना दी। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है उनकी रिहाई के लिए। इसके बावजूद कि निरंतर और लगातार ये बात सरकार के संज्ञान में लाई गई, पर एक छोटा सा मुल्क कतर, उसने ये एनडीए भाजपा सरकार की मस्कुलर नेशनलिज्म की हवा निकाल के रख दी है और उन लोगों की जिंदगी आज जोखिम में है। इसी तरह से अप्रैल 2020 से चीन भारत की सरजमीन में घुसा हुआ, एक उच्च अधिकारी ने जो है लद्दाख की एसएसपी हुआ करती थी, उन्होंने एक पेपर लिखकर यह बात कही कि पूर्वी लद्दाख में 56 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां पे अप्रैल 2020 से पहले भारत की सेना गश्त लगाया करती थी, और आज उन 56 में से 26 ऐसी जगह है जहां पे भारत की सेना जा नहीं सकती। अब आप ये सोचेंगे कि इसका छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से क्या लेना देना है, मैं किस संदर्भ और किस परिपेक्ष में ये बात कह, वो संदर्भ और परिपेक्ष ये है कि विकास का काम तभी हो सकता है अगर प्रदेश में जो सुरक्षा का वातावरण है वो सुरक्षा का वातावरण एक का सामान्य हो और अनुकूल। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ये याद कराना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था
तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सलिज्म की नक्सलवाद की समस्या थी वो सिर्फ तीन ब्लॉक तक चार ब्लॉक तक सीमित थी। और जब भाजपा ने सरकार छोड़ी 2003 से लेकर 2018 तक उनका शासन रहा, ये समस्या छत्तीसगढ़ के 14 जिलों तक फैल चुकी थी। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ही एक संजीदा तरीके से, बहुत ही विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें जो अंग्रेजी में कहते हैं सरकार की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को का उत्कृष्ट सम्मिश्रण बनाकर इस समस्या के ऊपर उन्होंने काबू पाने की कोशिश की। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन वर्षों के मुकाबले पिछले 5 वर्ष में जो नक्सलवाद नक्सली हिंसा की समस्या है उसकी वारदातों में 52% से ज्यादा कमी हुई। 314 जो स्कूल बंद हो गए थे नक्सल प्रभावित इलाकों में वो स्कूल खोले गए। राशन कार्ड बहुत ही एक युद्ध स्तर पे बनाए गए और पीडीएस की दुकानें खोली गई। और उस सब का नतीजा ये हुआ कि आज कुछ 3 जिलों के कुछ इलाके हैं जहां पे नक्सलवादियों का आज भी प्रभाव है। इसके साथ साथ एक राज्य के स्तर पे जो हमारी बहनों के खिलाफ हिंसा होती थी उसको ऊपर काबू पाने के लिए डेडिकेटेड विमेन पुलिस स्टेशन भी खोले गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रदेश तभी विकास कर सकता है जब उसमें अमन और शांति हो। जो कानून की समस्या है, जो कानून की व्यवस्था है वो सामान्य हो और लोगों में जो एक डर और खौफ का वातावरण था वो डर और खौफ के वातावरण से निजात पाए। और इसलिए मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सब मतदाताओं को ये अपील करना चाहता हूं कि उन दिनों को याद कीजिए। वो भी दिन थे जब इसी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व चंद स्किंटों में ही नक्सलवादियों ने खत्म कर दिया। वो भी दिन थे जब यहां भाजपा की सरकार थी कि बड़े बड़े नक्सली हमले हुए करते थे। और पिछले 5 वर्ष से परिस्थितियां कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सामान्य हुई है। और इसलिए इस प्रदेश की अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए, इस प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए कि जो नक्सलवाद की समस्या है वो दोबारा ना पनप पाए, ये बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ में जो दो चरण में चुनाव होने जा रहा है, मैं ये अपील करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को कि कांग्रेस पार्टी को एक बार दोबारा से मौका।